नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग एक तो पीएच के, आपको पता ही है, पीएच पेपर के बारे में हमने पढ़ लिया था। रेगुलर लाइफ में हम लोगों को क्या करना था ये भी हमने पढ़ लिया था। और अब हमें आज करना क्या है बच्चों, आज हमें उसके बारे में लिखना है और साथ ही हमें सॉल्ट भी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखवाने जा रहा हूँ और वो आप लिखेंगे भी, और आपको बाकी जितनी बातें हैं वो मैं पहले ही समझा चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले से ही वो सारी चीजें रिवाइज कर चुके होंगे। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि अब आप लोग अपने एफर्ट डालना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि जैस अब समय अच्छा आने वाला है और बहुत जल्द हो सकता है आप लोगों के स्कूल भी ओपन हो जाए, ठीक है? और एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अगर स्कूल ओपन होंगे, ठीक है, तो पेपर बिल्कुल आपके अच्छे वे में, जिस तरीके से इजी वे में हो सकता है, हो जाए, हो सकता है, ठीक है? हम अभी पूरी ये कंफर्मेशन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई अभी बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये एक अच्छी बात हो सकती है कि पेपर आपका इजी वे में हो जाए। लेकिन इजी होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी टॉपिक से भटकेंगे। एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में यहां पर हम सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना कि भाई रेगुलर लाइफ में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताए थे, ठीक है, और उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए पीएच पेपर में पहले लिखेंगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच। हिंदी वाले लिखेंगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच, ठीक है? लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ जी लिखिए, हमारे पेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमारे पेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब एक बात बताओ बच्चों मुझे कि बच्चों एसिड, आप जैसा कि जानते हो कि एसिड तो इतना खतरनाक होता है कि भाई हाथ पे गिर जाए तो हाथ जला देता है, ठीक है? किसी शरीर के हिस्से पे गिर जाए तो शरीर जला देता है। तो आखिरकार हमारे पेट में रहते हुए भी वो किसी हिस्से को नहीं जलाता, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो एसिड जो होता है वो डाइल्यूट होता है। वो मतलब उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना कम कर दिया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ खाने को पचाने के सिवा और कुछ नहीं काम कर सकता। वो आपके पेट को जला नहीं सकता, ठीक है? वो क्यों नहीं जला सकता, इसका बिल्कुल डिटेल रीजन दूंगा मैं 6th चैप्टर में। जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो मैं रीजन बताऊंगा कि आखिरकार आपका पेट भाई एसिड होने के बावजूद भी जलता क्यों नहीं है, ठीक है? या पेट में कोई दिक्कत आती क्यों नहीं है, और पेट में अगर दिक्कत आती है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है? तो चलिए लिखेंगे, जरा लिखेंगे, हमारे पेट में तनु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कभी कभी किसी भोजन को खाने से जो कभी कभी किसी भोजन को खाने से जो कभी कभी किसी भोजन को खाने से अम्लता का स्तर बढ़ जाता है, अम्लता का स्तर बढ़ जाता है, अम्लता का स्तर बढ़ जाता है, जिसे अति अम्लता कहा जाता है, जिसे अति अम्लता कहा जाता है, जिसके कारण पेट का यानी आमाशय का जिसके कारण आमाशय का पीएच मान गिर जाता है, आमाशय का पीएच मान गिर जाता है। इसलिए हमें इसके उपचार के लिए पीएच पे सॉरी गलत बोल दिया इसके उपचार के लिए अति अम्लता का प्रयोग कर प्रति अम्लता का प्रयोग करते हैं, इसके उपचार के लिए प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जैसे जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है? इंग्लिश वाले, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम,
पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम लिखिए लिखिए, डाइल्यूट एससीएल इज प्रेजेंटेड इन अवर स्टमक, डाइल्यूट एससीएल इज प्रेजेंटेड इन अवर स्टमक टू गिव एसिडिक नेचर, बट समटाइम्स वी ईट अनकंडीशनल फूड फॉर स्टमक and survive with a problem of acidity. Acidity, which decrease the pH level of acid. pH level of acid. For the cureness of this, we should take magnesium hydroxide. We should take magnesium hydroxide and baking soda. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे दंत क्षय के कारण। बच्चों दंत क्षय कैसे लिखते हैं देखो मैं बता देता हूं, दंत क्षय, ठीक है, दंत क्षय लिखिए, दंत क्षय के कारण के रूप में पीएच परिवर्तन, के कारण के रूप में पीएच परिवर्तन, दंत क्षय के रूप में पीएच परिवर्तन, ठीक है। और इंग्लिश वाले तो चलो अभी लिखवाता ही हूं, लिखो हिंदी वालों लिखो, हमारे मुंह में उपस्थित जीवाणु शक्कर को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे पीएच मान गिरने लगता है और दांत खराब होने लग जाते हैं, और दांत खराब होने लग जाते हैं। जब पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो दंत क्षय के लक्षण आने लगते हैं। और अगली लाइन में लिखो, दंत क्षय को दिन में दो बार क्षारीय प्रकृति के दंत मंजन का प्रयोग करके रोका जा सकता है। उस मंजन का पीएच लगभग आठ होना चाहिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे लिखिए, इन इन अवर माउथ
इन अवर माउथ द एसिड इज फॉर्म्ड, द एसिड इज फॉर्म्ड, एसिड इज फॉर्म्ड टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन द शुगर, टू ब्रेक डाउन द शुगर, टू ब्रेक डाउन द शुगर इन द बाय द बैक्टीरिया, शुगर बाय द बैक्टीरिया। ठीक है जी, आगे लिखो, द टूथ डिके अकर्स, द टूथ डिके अकर्स ड्यू टू द डिक्रीज रेट ऑफ पीएच, द डिक्रीज रेट ऑफ पीएच, डिक्रीज रेट ऑफ पीएच विच कॉज टूथ डिके, विच कॉज टूथ डिके। इफ द पीएच गेट्स डाउन फ्रॉम 5.5, इफ द पीएच गेट्स डाउन फ्रॉम 5.5 देन द टूथ डिके अकर्स। द प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, द प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके यूज यूज बेसिक नेचर टूथपेस्ट, बेसिक नेचर टूथपेस्ट विच पीएच इज एट, विच पीएच इज एट। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड नंबर डाल के लिखो, पौधे और जंतु पीएच परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और जंतु पीएच परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अच्छा, अरे इंग्लिश वालों, मैंने आपको पहले शुरुआत में नहीं लिखवाया है ना, वो सेकंड का शुरुआत में वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखवाया, वो लिख लेना यार। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट जो हिंदी वालों ने लिखवाया, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट लिखो, मृदा पीएच और पादप वृद्धि, मृदा पीएच और पादप वृद्धि। लिखो लिखो लिखेंगे, पौधे मिट्टी पर उगते हैं, जिन मिट्टी की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो सकते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो सकते हैं, जिन मिट्टी की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो सकते हैं, लेकिन 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 उत्तम मिट्टी वो है जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो, उत्तम मिट्टी वह है जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे ज्यादा लिखेंगे, काफी अधिक अम्लीय और काफी अधिक क्षारीय मिट्टी, काफी अधिक अम्लीय और काफी अधिक क्षारीय मिट्टी, काफी अधिक अम्लीय और काफी अधिक क्षारीय मिट्टी फसल के लिए उपयोगी नहीं है, फसल के लिए उपयोगी नहीं है।
है, मिट्टी का पीएच घट के चार तक, मिट्टी का पीएच घट के चार तक और बढ़कर 8.3 तक जा सकता है। मिट्टी का पीएच घट के चार तक और बढ़ के 8.3 तक जा सकता है। लेकिन जब भी अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए मिट्टी के पीएच को संतुलित करने के लिए, ऐसे लिखना, मिट्टी के पीएच को संतुलित करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, टू पीएच चेंजेस, ठीक है। लिखो इसका फर्स्ट पॉइंट, लिखो थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ लिखो। लिखो बच्चों, लिखेंगे, लिखिए, प्लांट ग्रोज इन सॉइल, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल बट सॉइल कैन एसिडिक एज वेल एज बेसिक, सॉइल कैन एसिडिक, सॉइल कैन बी, ऐसे लिखना, सॉइल कैन बी एसिडिक एज वेल एज बेसिक, सॉइल कैन बी एसिडिक एज वेल एज बेसिक बट द आइडियल सॉइल इज, बट द आइडियल सॉइल इज, द आइडियल सॉइल इज दैट विच पीएच इज अराउंड 7, विच पीएच इज अराउंड 7, मोर एसिडिक और मोर बेसिक सॉइल, मोर एसिडिक और मोर बेसिक सॉइल आर नॉट गुड फॉर, आर नॉट गुड फॉर प्लांटेड, आर नॉट गुड फॉर प्लांट, ठीक है। आगे लिखेंगे, द पीएच ऑफ सॉइल, द पीएच ऑफ सॉइल कैन बी डिक्रीज्ड एट 4, द पीएच ऑफ सॉइल कैन बी डिक्रीज्ड एट 4 एंड इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड एट 4 एंड इंक्रीज्ड 8.3, इंक्रीज्ड एट 8.3 आफ्टर द एसिड रेन, आफ्टर द एसिड रेन, आफ्टर द एसिड रेन सॉइल बिकम्स एसिडिक, सॉइल बिकम्स एसिडिक टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन द बैलेंस, कमा डाल के लिखते रहना, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉइल, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉइल, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉइल, ऐसा लिखना, बैलेंस ऑफ पीएच ऑफ सॉइल, ये लिखना यार, सॉरी गलती हो गई, बैलेंस ऑफ पीएच
पीएच ऑफ सॉइल, बैलेंस ऑफ पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल टू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, टू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड कॉमा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो हिंदी वाले इसी का, थर्ड का सेकंड पॉइंट, पीएच परिवर्तन और जंतुओं की उत्तरजीविता, पीएच परिवर्तन और जंतुओं की उत्तरजीविता। लिखिए लिखिए लिखिए। हाँ बच्चों तो लिखिए, पीएच परिवर्तन और जंतुओं की उत्तरजीविता। लिखो लिखो भाई, लिखिए, हमारा शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है जब, हमारा शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है जब हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच हो। हमारा पीएच, हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में हो, इससे हम बीमारियों के क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन पीएच बढ़ने और घटने से दिक्कतें हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। इंग्लिश वाले, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। लिखिए, द बेस्ट पीएच ऑफ बॉडी, द बेस्ट पीएच ऑफ बॉडी इज 7 to 7.8, 7 to 7.8 विच इंडिकेट्स दैट वी आर अवे फ्रॉम द डिसीज, वी आर अवे फ्रॉम द डिसीज। ठीक है बच्चों, चलो अब ये तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, अब सीधा फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ और लिखो, रासायनिक संघर्ष के जरिए जंतुओं और पौधों द्वारा आत्मरक्षा, रासायनिक संघर्ष के जरिए जंतुओं और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। ठीक है, लिखो लिखो, चींटी और मधुमक्खी के डंक में, चींटी और मधुमक्खी के डंक में एक मेथनोइक अम्ल नामक एसिड अम्ल होता है, एक मेथनोइक नामक अम्ल होता है, एक मेथनोइक नामक अम्ल होता है जो किसी व्यक्ति को डंक मारने पर वो अम्ल शरीर में चला जाता है, वो अम्ल शरीर में चला जाता है और बहुत तेज जलनदार दर्द उत्पन्न करता है, बहुत तेज जलनदार दर्द उत्पन्न करता है। और अगली लाइन में लिखेंगे, बिच्छू बूटी भी एक इसी प्रकार का पौधा है, एक इसी प्रकार का पौधा है जिसके रोए पर ये समझते ना, जैसे हम लोग कहते हैं बाल, ये हाथ के बाल इस तरीके से, तो वही रोए, रोए पर, रोए पर डंक जैसी संभावनाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, डंक जैसी संरचनाएं होती हैं जिसमें मैथनोइक अम्ल भरा होता है, जिसमें मैथनोइक अम्ल भरा होता है, जिसमें मैथनोइक अम्ल भरा होता है और जो
शरीर में जाकर, और जो शरीर में जाकर, किसी शरीर में जाकर, और जो किसी शरीर में जाकर तेज जलनदार दर्द उत्पन्न करता है, तेज जलनदार दर्द उत्पन्न करता है। इंग्लिश वाले, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू वारफेयर। ठीक है, लिखो बी और एंट, बी एंड एंट ऐसे लिखना, बी एंड एंट, बी एंड एंट। ठीक है, चलिए लिखेंगे, जरा लिखिए, बी एंड एंट हैव स्टिंग, हैव स्टिंग इन विच मेथनोइक एसिड, इन विच मेथनोइक एसिड इज प्रेजेंट, मेथनोइक एसिड इज प्रेजेंट। इफ इफ दे स्टिंग, इफ दे स्टिंग टू अ पर्सन, टू अ पर्सन देन द मेथनोइक एसिड इंजेक्ट, देन द मेथनोइक एसिड, देन द मेथनोइक एसिड इज इंजेक्टेड इन हिज बॉडी, इन हिज बॉडी विच कॉज बर्निंग पेन, विच कॉज बर्निंग पेन, विच कॉज बर्निंग पेन। अगले लाइन में लिखो, नेटल प्लांट इज ऑल्सो लाइक दैट, नेटल प्लांट इज ऑल्सो लाइक दैट विच हैव हेयर्स ऑन ऑन इट्स बॉडी, विच हैज हेयर्स ऑन इट्स बॉडी विच इंजेक्ट, विच इंजेक्ट, विच ऑल्सो इंजेक्ट ऐसे लिखना, विच ऑल्सो इंजेक्ट मैथनोइक एसिड, मैथनोइक एसिड टू द पर्सन, मैथनोइक एसिड टू द पर्सन एंड कॉज बर्निंग पेन, एंड कॉज बर्निंग पेन। ठीक है बच्चों, तो ये लोग इस तरीके से अपनी सेल्फ डिफेंस करते हैं कि हाँ जी, अगर इनको किसी ने हाथ लगाया है, तंग किया, तो तुरंत डंक मारते हैं और मैथनोइक एसिड उनकी बॉडी में डाल देते हैं, और फिर वो बहुत क्या करता है, जलनदार दर्द उत्पन्न करता है। और आपको मैंने बोल रखा है कि भाई मैथनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं सॉल्ट, शुरू करते हैं सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फटाफट